आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 2.5। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। 2.5 में अपन ने सवाल 12 तक कर लिए थे। सवाल नंबर 13 है, यदि x प्लस y प्लस z बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए x क्यूब y क्यूब z क्यूब बराबर 3xyz। इसमें देखना, अपन यदि x प्लस y प्लस z बराबर 0 मान लिया, इसको पीछे लेंगे z को तो माइनस का z आ जाएगा। अब दोनों अगर करेंगे बराबर के पहले भी बराबर के बाद में भी, तो बराबर के पहले डन कर दिया पर बाद में डन कर दिया, तो क्या आएगा a क्यूब। सूत्र अपने पास है, देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, a प्लस b का क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें जहाँ a लिखा है yx और b लिखा है आपको y, तो x क्यूब y क्यूब 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर माइनस z क्यूब, माइनस z क्यूब को आगे लेंगे तो प्लस का z क्यूब आ जाएगा, 3x स्क्वायर y और 3xy स्क्वायर, दोनों में 3xy कॉमन लिया हमने, यहाँ x बच जाएगा यहाँ y बच जाएगा। अब इसको मालूम है इक्वेशन नंबर 1, इस समीकरण नंबर 1 से x प्लस y का मान लो हमें माइनस z, तो मैंने यहाँ लिखा समीकरण 1 से अपन ने माइनस z पर दिया, इसको गुणा करें तो माइनस एक्स वाई क्यूब, इसको पीछे लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आगे अपन सवाल कर सकते हैं और दूसरे, तो इसमें लिखा जैसे सवाल नंबर 14 है, इसी प्रकार सवाल 14 दे रखा है कि इसे माइनस 12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए पहले मानेंगे a प्लस b प्लस c बराबर, a का मान 12 मान लिया, इसका 7 मान लिया, इसका 5 मान लिया, बराबर इसका मान 0 आ जाएगा। फिर आगे हम करेंगे इसको देखना, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसका मान 0 आ गया, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर 3abc, a का मान बढ़ने गए माइनस का 12 क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब इक्वल टू माइनस 12 यानी 3 आएगा, 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5 तो माइनस का 36 गुना 35 और माइनस का 1260 ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमें ये 14 का फर्स्ट है तो 14 का सेकंड भी हमें इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसको दोबारा समझा देता हूँ, x प्लस y प्लस z बराबर 0 हो तो सिद्ध करना है, x प्लस y प्लस z बराबर 0 मान लिया, उसको पीछे ले माइनस में दिया गया, x प्लस y का मान माइनस z आ गया, दोनों अदल करेंगे बराबर के पहले भी और बराबर के बाद में भी, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे a प्लस b का क्यूब x क्यूब y क्यूब 3x स्क्वायर y 3xy क्यूब y स्क्वायर बराबर आएगा माइनस का जेड क्यूब, x क्यूब y क्यूब इसको आगे ले लिया प्लस का जेड क्यूब 3xy कॉमन ले लिया x और y, x प्लस y का मान यहाँ से पढ़ देंगे समीकरण 1 से माइनस का जेड आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जेड इसको पीछे लिया प्लस कर जाएगा तो ये आ गया सिद्ध हो गया। ऐसे अगला सवाल माइनस 12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान माइनस 12 बी का मान 7 सी का मान 5, तो ये यहाँ माइनस का 12 और प्लस का 12 ये जीरो आ जाएगा। जीरो आते ही सूत्र लगाने पर लिखा रखना है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, a का मान पढ़ दिया b का मान पढ़ दिया c का मान पढ़ दिया और 3 का 3 a का मान माइनस 12 b का मान 7 c का मान 5, 12 को 3 से गुणा करेंगे माइनस 36, 7 को 5 से गुणा किया 35,